हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हूं अभी निजामुद्दीन स्टेशन पे और मैं जा रहा हूं मसूरी। और मैं मसूरी क्यों जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, वो आपको आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। तो मैं हूं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और ट्रेन अभी आने वाली है। और ये मेरा दो लगेज है, एक ट्रॉली एक ट्रिप बैग, तो इसी के साथ जाऊँगा। तो मेरी ट्रेन आने वाली है 2 मिनट के अंदर। मेरा जो बोगी है वो B7 है, तो मैं जा रहा हूँ B7 में। ट्रेन आ चुकी है, तो मेरी जो सीट है वो है 45 मिडिल बर्थ। तो अभी मैं इसे ऊपर करूँगा तो फिर आराम से सो जाऊँगा। मैं देहरादून पहुँचने वाला हूँ। आपको सामने पहाड़ दिख रहा होगा, वो मसूरी की पहाड़ है। तो मैं देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ। अभी मुझे यहाँ से जाना होगा बस स्टैंड, फिर वहाँ से निकलूँगा मसूरी के लिए। ये बस स्टैंड है, मुझे यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, सरकारी टिकट। बस में अभी आधा घंटा टाइम है, तो मैं रुका हुआ हूँ चाय पीने के लिए। ये है चाय और ये है बस, और उस जगह टिकट काउंटर। तो ये है बस का टिकट, गवर्नमेंट बस, और मेरा सीट नंबर 29 है और 80 रुपये भाड़ा है मसूरी के लिए। लोकेशन में आना चाहिए था, मैं उस लोकेशन में हूँ। और गाइस पीछे देख सकते हो पहाड़, और मैं अभी बादल के बीच में हूँ। हर तरफ बादल ही बादल, और पीछे आपको कुहासा नजर आ रहा होगा। और मसूरी में मेरा स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ है। देख लो, कुछ नजर नहीं आ रहा, सामने बिल्डिंग है मगर बिल्डिंग नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बादल के बीचों बीच हूँ। अभी बारिश भी हो रही है, हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। ऐसा स्वागत होता है मेरा। अभी भी कम टू मसूरी। तो गाइस अभी का मौसम देखो कितना खतरनाक हो गया है, कुछ नजर नहीं आ रहा, रोड तक नजर नहीं आ रहा, ऐसा हो गया है। बताओ मेरे आने की खुशी में इतना अच्छा मौसम, क्या बात है। तो मैं इस जगह रुका हुआ हूँ, ये टेबल टेनिस है वो बैठने के लिए, और ये थिएटर हॉल है मूवी का। और गाइस व्यू देखो, पहाड़ इतना ज़्यादा, बादल के बीच में इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये है मैगी, और वो रहा सामने पहाड़। देख सकते हो कितना ज़्यादा बादल ही बादल है। पहाड़ के बीच में आके पहाड़ी मैगी ना खाओ, बेकार है, इसलिए मैं मैगी खा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, यहाँ का टेस्ट रहा अलग है। तो भाई दिल्ली में तो बहुत ही गर्मी थी, और यहाँ देखो ऐसा लग रहा है कि विंटर सीजन आ गया, मतलब नवंबर दिसंबर जैसा वेदर है, और कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी इतना ज़्यादा बादल कहो या कुहासा कहो, इतना ज़्यादा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा सामने। आप देख सकते हो सामने बिल्डिंग है मगर बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही है। यहाँ का वेदर इतना मस्त है, दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी था मैं झेल रहा था, और यहाँ तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और जितने भी बिल्डिंग है सब पहाड़ पे ही बना हुआ है, पहाड़ को काट कर बिल्डिंग बनाया गया है। मैं लाइफ में पहली बार पहाड़ पे आया हूँ, हिल वाला एरिया में, इससे पहले मैं कभी कहीं नहीं गया। और देखो मैं आया तो कहाँ, 2 महीने के लिए आया हूँ मसूरी। बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करने वाला हूँ, और जिस काम से आए वो काम भी होगा, और अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग भी होगी, और ब्लॉग भी आएगा अच्छी अच्छी मसूरी की। तो आज तो पहला दिन है, मैं ज़्यादा इधर उधर जाऊँगा नहीं, अच्छे से यहाँ के बारे में आइडिया हो जाएगा किस तरफ क्या है, तब उसके बाद मैं अच्छे से घूमने जाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा। और देख लो पीछे बादल ही बादल है, और यहाँ बारिश भी बहुत हो रही है, मतलब रुक रुक के बारिश हो रही है। कभी कभी ये पूरा साफ हो जाता है, और 10 मिनट के अंदर फिर से कुहासा जैसा, कोहरा जैसा हो जाता है, फिर 10 मिनट बाद साफ हो जाएगा। 15 मिनट के बाद
सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है, अभी बारिश भी हो रही है। देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत सा लोकेशन है, मैं इस जगह 2 महीने रहने वाला हूँ। ये मेरा रूम है और ये वाली जो अपर वाली बेड है ये मेरी बेड है, तो मैं इसी में सोऊंगा, नीचे में किसी और का है। तो सोच रहा हूँ थोड़ा देर रेस्ट कर लूँ क्योंकि ट्रेन में सो नहीं पाया था। दिल्ली में बिना कूलर और एसी का रहा नहीं जा रहा था, और यहाँ देखो मुझे कंबल ओढ़ना पड़ रहा है, अभी कंबल ओढ़ा हुआ फिर भी ठंड लग रही है और बाहर बारिश हो रही है। क्या सुहाना मौसम है, मुझे यही चाहिए था। तो मेरा लंच हो चुका है और अभी हल्की हल्की धूप नज़र आ रही होगी आपको, धूप तो है मगर बादल भी है बहुत सारा, आपको बस धुआं धुआं जैसा दिख रहा होगा। मैं दिखाता हूँ अच्छे से, वो देखो वो धुआं जैसा जो दिख रहा है वो बादल है, और हम अभी बादल के बीचों बीच हैं और वो सामने से कार जा रही है। और आपको घर दिख रहा होगा बहुत सारा, और सामने से देखो ये रोड गई हुई है और ये रोड वहां जाके मिलेगी इस जगह। आप सोच सकते हो मैं कितना ऊंची जगह पे हूँ, जो बादल के बीचों बीच हूँ मैं इतना ज्यादा ऊपर हूँ पहाड़ के, लगभग 2000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची जगह पे हूँ मैं। तो अभी शाम के 8 बज रहे हैं, देखो सब घर में लाइट जल रही है, देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा मगर इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है क्या बताऊँ। वो देखो सामने ये बहुत सारे घर हैं, सब में लाइट जल रही है। तो मेरा डिनर हो चुका है, अभी बज रही रात के 10। तो डिनर करने के बाद मैं अभी ऐसे ही रोड की तरफ घूमने आया हूँ और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। आपको जो पीछे जो लाइट दिख रही है वो घर की लाइट है, मतलब पहाड़ पे जो घर बने हैं उसकी लाइट है, देखो चारों तरफ घर ही घर है। तो मुझे आज मार्केट जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि पूरा दिन आज बारिश हो रहा था। तो देखता हूँ कल अगर बारिश नहीं हुई तो मैं मार्केट जाऊँगा, यहाँ का लोकल मार्केट, फिर उसका अलग से वीडियो बनाऊँगा। और मैं ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि अभी जब तक मैं यहाँ हूँ मसूरी का ही और उत्तराखंड का ही वीडियो देखने के लिए मिलेगा, जो भी अच्छे अच्छे जगह है मैं घूमने के लिए जाऊंगा और उत्तराखंड का वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।